प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु के अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी की। इस अवसर पर उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। इन किस्मों में महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन किस्मों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 65 फसलों के 109 किस्म के बीज तैयार किए गए हैं। इन किस्म के बीज तैयार करने के लिए मैं वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। 109 किस्म के बीज से किसानों का बढ़ेगा मुनाफा और पोषण के लिए उपयोगी होंगे। 65 फसलों की 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए, ये बीज जैसे बाजरे का एक बीज विकसित किया। आमतौर पर बाजरा 110 दिन में आता है, लेकिन 70 दिन में ही फसल आ जाएगी। कम पानी में भी और ज्यादा बरसात भी हो गई तो पहले ही कट जाएगी। जैसे धान की किस्म तैयार की जिसमें पानी 30% कम लगेगा सीधी बिजाई से, मतलब सीधे बो देंगे, रोपा नहीं लगाएंगे, और उसमें जो खरपतवार आएगी वो निदानाशक से समाप्त हो जाएगी। कम पानी लगेगा तो मजदूरी भी कम लगेगी, पैसा भी बचेगा। बागवानी की आम की ऐसी किस्में तैयार की जो जल्दी खराब नहीं होगी, दिखने में भी सुंदर हो, कलर स्वादिष्ट भी हो, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। एक्सपोर्ट हम कर भी रहे हैं। आज मैं फिर एक बार अपने वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, ये 109 नई किस्में किसान की जिंदगी भी बदलेगी, उनकी लाभ को भी बढ़ाएगी और जनता के लिए भी पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी, हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी। और कार्यक्रम ये कोई हाल में नहीं था, आज अक्सर होता है कि ऐसे कार्यक्रम एक बड़े हाल में हो जाते हैं, भाषण होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सोच था तो कार्यक्रम खेतों में करेंगे, किसानों के बीच करेंगे, लैब टू लैंड सीधे जानकारी जानी चाहिए, तो वैज्ञानिक वहां रहेंगे, किसान रहेंगे, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री रहेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। तो आज का कार्यक्रम यह अद्भुत था। अलग अलग तीन जगहों पर ये 109 प्रजाति प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित की। किसानों के मन में जिज्ञासा थी, उन्हें सवाल पूछे, वैज्ञानिकों ने उत्तर दिए, प्रधानमंत्री जी ने किसानों से भी बात की, वैज्ञानिकों से भी बात की। और यह बात केवल प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों के और किसानों के बीच में नहीं थी, आज ये बात सारे किसानों के बीच जाएगी। तो जो किसान यहां नहीं थे वो समझेंगे कि किस बीज का क्या फायदा है, किस प्रजाति का क्या फायदा है, और सीधे लैब से लैंड तक, मतलब विज्ञान ने जहां प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, उससे सीधे किसान तक जानकारी हमारे किसानों को भी होगी। फिर कुछ सजेशंस भी प्रधानमंत्री जी ने दिए वैज्ञानिकों को भी और किसानों से भी चर्चा भी। और ऐसे में इस कार्यक्रम में बरखा रानी ने भी अपने रंग दिखाए, तो सही में जो खेती का अनुभव है, खेत में खड़े होके प्रधानमंत्री बाजरे के खेत में गए, प्रधानमंत्री जी भीगते हुए उन्होंने सीधे बिजाई वाली धान देखी, छाता पकड़ के भी खड़े रहे खुद, और पहले तो छाता लेने से इनकार कर दिया, और बागवानी की फसलों के बगीचे में भी उन्होंने भ्रमण किया। ये व्यवहारिक है,
भाषण से ये काम नहीं हो सकता था। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अद्भुत ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया। और हमारा एक ही संकल्प है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़े। उसके लिए वैज्ञानिक कृषि अनुसंधान परिषद नए नए प्रयोग कर रही है, उनको ठीक ढंग से हम नीचे पहुंचा पाए, इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, वैज्ञानिकों को बधाई।